आज मैं एक बहुत ही बेहतरीन टाइम ट्रेवल रोमांटिक मूवी लेकर आया हूँ। इस मूवी का नाम है द लेक हाउस। तो मूवी की शुरुआत में हम एक लड़की को देखते हैं, इसका नाम केट है। केट इस लेक हाउस में अकेले ही रहती थी, मगर किसी कारण आज ये घर छोड़कर कहीं और रहने के लिए जा रही है। इसलिए ये एक लेटर को इस पोस्ट बॉक्स में डाल देती है, जिससे अगर कोई केट से मिलने यहाँ आए तो उसे कैट का नया एड्रेस मिल जाए। कैट के साथ एक डॉग भी था। फिर ये यहाँ से चली जाती है। इसके जाने के बाद यहाँ रहने के लिए एक आदमी आता है, इसका नाम एलेक्स है। ये देखता है कि इस घर की हालत बहुत ही खराब थी, ऐसा लग रहा था जैसे कई सालों से घर की सफाई ना हुई हो। दूसरी तरफ हम केट को देखते हैं। यहाँ पर हमें पता चलता है कि केट एक डॉक्टर है। इधर एलेक्स अपना सामान इस घर में शिफ्ट कर रहा था, जब ये पोस्ट बॉक्स चेक करता है तब इसको इसमें एक लेटर मिलता है। ये वही लेटर है जो कैट ने जाने से पहले छोड़ा था। एलेक्स इस लेटर को पढ़ता है, जिसमें कैट ने सारी बातें लिखी थी और ये भी लिखा था कि दरवाजे के बाहर जो पंजों के निशान हैं वो पहले से ही थे। एलेक्स तुरंत बाहर आता है और वो निशान ढूंढता है, मगर यहाँ कोई निशान नहीं थे। ये फिर लेटर को देखता है, जिसमें कैट का न्यू एड्रेस लिखा था और डेट 2006 की थी। अब एलेक्स समझ जाता है कि इसके साथ किसी ने मजाक किया है, क्योंकि अभी 2006 नहीं 2004 चल रहा था। अगले दिन एलेक्स इस घर की साफ सफाई कर रहा था, तभी यहाँ एक डॉग आता है और ये सीधे घर के अंदर चला जाता है। इसके पंजों में कलर लग जाने के कारण इसके पंजों के निशान घर के बाहर बन जाते हैं। तभी एलेक्स को याद आता है कि ये बात तो उस लेटर में लिखी थी। ये फिर से उस लेटर को देखता है। दूसरी तरफ हम केट को देखते हैं, जो अपनी मॉम के साथ बैठकर बातें कर रही थी। तभी अचानक रोड पर किसी का एक्सीडेंट हो जाता है। कैट भागकर उसके पास जाती है और इसे बचाने की बहुत कोशिश करती है, मगर कैट इस आदमी को नहीं बचा पाती। इसीलिए कैट बहुत दुखी हो जाती है, इसका अपने काम में मन नहीं लग रहा था। इसीलिए फिर से उस लेक हाउस पर घूमने जाने के लिए निकल जाती है। ये सबसे पहले पोस्ट बॉक्स चेक करती है कि किसी ने इसका लेटर फेंक तो नहीं दिया। तब यहाँ इसे एक दूसरा लेटर मिलता है, ये लेटर एलेक्स ने लिखा था। एलेक्स बताता है, शायद आपको कोई गलत फहमी हो गई है, ये लेक हाउस मेरा है और मेरी जानकारी के हिसाब से अभी तक हमने इस लेक हाउस को किसी को नहीं दिया है। और एक बात, आपको उस डॉग के पैरों के निशान के बारे में कैसे पता है, जबकि वो निशान तो आज ही लगे हैं। कैट को कुछ समझ नहीं आता, इसे लगता है कि कोई उसका बेवकूफ बना रहा है, लेकिन हमें यहाँ सब समझ में आ जाता है कि आखिर यहाँ क्या हो रहा है। असल में कैट और एलेक्स दोनों अलग अलग टाइम में थे, कैट 2006 में और एलेक्स 2004 में था। ये दोनों एक दूसरे से पूरे 2 साल आगे पीछे थे। अब कहानी पर आते हैं। कैट अपना टाइम पास करने के लिए एलेक्स को एक लेटर लिखती है और कहती है, मुझे कोई गलत फहमी नहीं हुई है, मैं इस घर में पूरे 2 साल रही हूँ और हाँ अभी 2006 चल रहा है, तुमने डेट गलत डाली है। ये सब लिखकर ये लेटर को उस पोस्ट बॉक्स में डाल देती है। इधर एलेक्स उस लेटर को निकालकर पढ़ता है। लेटर पढ़कर ये समझ जाता है कि ये कोई इसका जानने वाला है जो इसके साथ मजाक कर रहा है। अगले दिन एलेक्स अपने भाई से जाकर मिलता है और शाम को उस जगह पर जाता है जहाँ का एड्रेस कैट ने अपने लेटर पर लिखा था। यहाँ पर इसे पता चलता है कि अभी इस जगह पर बिल्डिंग बन रही है। ये घर आकर कैट को लेटर लिखता है और कहता है, तुमने जो एड्रेस दिया था उस जगह पर मैं गया था, वहाँ पर कुछ भी नहीं है, अभी वहाँ पर बिल्डिंग बन रहा है और वो बिल्डिंग लगभग 18 महीने बाद तैयार होगा, इसलिए सच सच बताओ कौन हो तुम और ये मजाक करना बंद करो। दूसरी तरफ कैट ये लेटर पढ़ती है। अब इसे भी गुस्सा आने लगता है, क्योंकि ये दोनों अपनी अपनी जगह पर एकदम सही थे। अगली सुबह ये फिर से कैट के लिए लेटर बॉक्स में डालता है और दूसरी तरफ कैट भी इस बॉक्स के सामने आ गई थी। इस वक्त दोनों इस बॉक्स के आमने सामने थे, मगर केट 2006 में और एलेक्स 2004 में था। एलेक्स लेटर डालकर जाने लगता है, तभी दूसरी तरफ से कैट वो लेटर निकाल लेती है। इधर एलेक्स की नज़र बॉक्स पर पड़ती है, बॉक्स अपने आप ऊपर नीचे होने लगता है। इसका मतलब है कि किसी ने लेटर निकाल लिया है। जब ये बॉक्स खोलता है तब ये देखता है कि इसमें एक नया लेटर आ चुका है, जो दूसरी तरफ से कैट ने अभी अभी भेजा है। एलेक्स तुरंत एक और लेटर को कंफर्म करने के लिए उस बॉक्स में डालता है।
अब इस तरफ कैट को भी बॉक्स का लीवर ऊपर नीचे होते दिखाई देता है। जब ये लेटर चेक करती है तो वो लेटर एलेक्स का था। इसे बिल्कुल यकीन नहीं होता कि इतनी जल्दी रिप्लाई कैसे आ गया। ये फिर से कंफर्म करने के लिए एलेक्स को एक फिर से लेटर लिखती है और कहती है, कहाँ हो तुम? दूसरी तरफ एलेक्स कागज कलम लेकर तैयार था। ये तुरंत कैट को लेटर से भेजता है कि मैं अभी लेक हाउस पर हूँ। इधर कैट ये लेटर देखती है और चिल्ला कर कहती है, तुम जो कोई भी हो मेरे साथ मजाक करना बंद करो। इसके बाद ये यहाँ से चली जाती है। मगर कहीं ना कहीं इसे एलेक्स पर थोड़ा बहुत यकीन हो रहा था, इसलिए अगले दिन फिर से उसे लेटर लिखती है। अब इन दोनों में जो बातें शुरू होती हैं वो ख़त्म होने का नाम ही नहीं लेती। ये दोनों सुबह शाम लेटर के जरिए एक दूसरे से बातें किया करते थे। केट इसको 2006 की सारी बातें बताती है और एलेक्स यहाँ पर क्या हो रहा है वो सब इसे बताता है। इसी तरह कई दिन बीत जाते हैं। अब इन दोनों को पूरी तरह से यकीन हो जाता है कि ये दोनों वाकई में एक दूसरे से टाइम में 2 साल आगे पीछे हैं। एक दिन एलेक्स कहता है कि मुझे तुमसे मिलना है। कैट कहती है, ये पॉसिबल नहीं है, हम दोनों अलग अलग समय में हैं। एलेक्स कहता है, बिल्कुल पॉसिबल है, बस याद करके ये बताओ कि तुम 2004 में आज के दिन कहाँ पर थी। इधर ये बात कैट को समझ में आ जाती है। ये याद करके एलेक्स को बताती है कि ये इस तारीख को एक रेलवे स्टेशन पर थी और वहीं पर ये अपनी एक खास बुक भूल गई थी। अगले दिन एलेक्स स्टेशन पर पहुंच जाता है। यहाँ पर कैट अपने बॉयफ्रेंड के साथ थी। एलेक्स समझ जाता है कि यही कैट है, क्योंकि यहाँ पर और कोई लड़की नहीं थी। कैट जल्दी जल्दी ट्रेन में चढ़ जाती है। ये अपनी खास बुक बेंच पर ही भूल जाती है। अब एलेक्स को पूरा यकीन हो जाता है कि यही कैट है। ये तुरंत उस बुक को लेकर कैट को वापस करने के लिए भागता है, मगर ट्रेन चल चुकी थी इसीलिए एलेक्स को बुक लौटा नहीं पाता। यहाँ पर ये दोनों पहली बार एक दूसरे को देख रहे थे। अगले दिन एलेक्स कैट को सारी बातें बताता है कि इसने तुमको देख लिया है और तुम्हारी खास बुक मेरे पास है। अब कैट कहती है कि मुझे तुमसे फोन पर बात करनी है, इसीलिए तुम मुझे इस नंबर पर 1 तारीख 2006 की शाम को 5 बजे फोन करो। कैट एलेक्स के फोन का इंतजार कर रही थी, मगर एलेक्स का फोन नहीं आता। ये फोन क्यों नहीं आता ये हमें आगे पता चलेगा। अगले दिन कैट फिर से लेटर के माध्यम से एलेक्स से पूछती है कि तुमने मुझे फोन क्यों नहीं किया। एलेक्स कहता है, शायद ये पॉसिबल ना हो, लेकिन ऐसा नहीं था, ये हो सकता था, लेकिन यहाँ पर क्यों नहीं हुआ ये हमें आगे पता चलेगा। इसी तरह कई दिन बीत जाते हैं। एक दिन इत्तेफाक से एलेक्स को वही आदमी मिल जाता है जो इसने कुछ दिन पहले ही कैट के साथ देखा था। बातों ही बातों में ये दोनों दोस्त बन जाते हैं। ये आदमी इस वक्त कैट का बॉयफ्रेंड था। ये एलेक्स को बताता है कि कल इसके गर्लफ्रेंड का बर्थडे है और इसे इनवाइट करता है। अगले दिन एलेक्स इसके घर पहुंच जाता है। यहाँ पर यह आदमी एलेक्स को अपनी गर्लफ्रेंड कैट से मिलवाता है। ये कैट से दोबारा मिल रहा था, मगर कैट इसको बिल्कुल नहीं जान रही थी। कुछ देर बाद कैट किसी बात को लेकर परेशान थी, इसीलिए ये घर के बाहर आकर बैठ जाती है। कुछ ही देर में एलेक्स इसके पास आता है और कैट से बातें करने लगता है। ये दोनों कुछ ही देर में बहुत अच्छे दोस्त बन जाते हैं। यहाँ पर एलेक्स चाहता तो कैट को सारी बातें बता सकता था, लेकिन ये ऐसा नहीं करता। तभी कैट का बॉयफ्रेंड यहाँ आ जाता है और इन दोनों को एक साथ देख लेता है। यहाँ पर कैट का ब्रेकअप हो जाता है। दूसरे दिन एलेक्स कैट को आज जो कुछ भी हुआ वो सब कुछ लेटर में लिखकर बताता है। इधर 2006 में जब ये लेटर पढ़ती है तो इसे सब कुछ याद आने लगता है और अब ये भी एलेक्स को पहचान जाती है। अब ये दोनों एक दूसरे से मिलने का फैसला करते हैं। इसीलिए एलेक्स एक होटल में क्रिसमस के दिन आज से 2 साल के बाद की टेबल बुक करता है। दूसरी तरफ कैट इस होटल में तैयार होकर एलेक्स का इंतजार कर रही थी। आज ये बहुत खुश थी। काफ़ी देर इंतजार करने के बाद भी एलेक्स यहाँ नहीं पहुँचता। आखिर में कैट समझ जाती है कि इनका मिलना इम्पॉसिबल है। ये घर आकर फिर से एलेक्स को लेटर लिखती है और कहती है, आज के बाद मुझे लेटर मत लिखना क्योंकि हमारा मिलना नामुमकिन है। इधर एलेक्स को कुछ समझ नहीं आता, आखिर 2006 में ऐसा क्या हुआ कि एलेक्स वहाँ पर नहीं पहुँच पाया। ये तुरंत कैट को लेटर लिखता है, मगर इधर से कोई जवाब नहीं आता। एलेक्स रोज कैट को लेटर भेजता था, मगर दूसरी तरफ कैट ने यहाँ आना बंद कर दिया था। यहाँ पर एलेक्स की ऐसी हालत देखकर बहुत तरस आने लगता है।
ये रोज कैट के लेटर का इंतजार करता था, मगर कोई फायदा नहीं था। कुछ दिन बाद ये उदास होकर यहाँ से कहीं दूर जाने का फैसला करता है। ये अपना सारा सामान लेकर कैट के बॉयफ्रेंड के पास जाता है और इसे लेक हाउस की चाबी और उस डॉग को दे देता है। ये कहता है, हो सके तो तुम ये कैट को दे देना। इतना कहकर ये यहाँ से चला जाता है और अपने भाई के पास जाकर रहने लगता है। दूसरी तरफ कैट और इसका बॉयफ्रेंड फिर से एक साथ हो जाते हैं। इसी तरह पूरे 2 साल बीत जाते हैं। अब एलेक्स 2006 में पहुंच जाता है और कैट 2008 में। एक दिन एलेक्स को याद आता है कि आज वही दिन है जिस दिन इसने 2004 में एक होटल की टेबल को बुक किया था। ये बहुत खुश होता है कि आखिरकार वो दिन आ ही गया जब ये केट से मिलेगा। दूसरी तरफ 2008 की केट अपने बॉयफ्रेंड के साथ एलेक्स के भाई के ऑफिस में किसी काम से जाती है। यहाँ पर इसे उस लेक हाउस की पेंटिंग दिखती है। ये तुरंत एलेक्स के भाई से पूछती है कि ये किसने बनाया है। ये कैट को बताता है कि ये पेंटिंग मेरे भाई एलेक्स ने बनाया है। अब इसके चेहरे पर मुस्कान आ जाती है। कैट कहती है कि मुझे अभी एलेक्स से मिलना है। तब ये आदमी इसे बताता है कि एलेक्स अब इस दुनिया में नहीं है, वो 2 साल पहले ही एक कार एक्सीडेंट में मारा गया। अब यहाँ पर कैट को सब याद आने लगता है कि शुरुआत में जिस आदमी का एक्सीडेंट हुआ वो कोई और नहीं एलेक्स ही था, और इसीलिए एलेक्स ने इसको फोन नहीं किया और ना ही उस होटल में पहुंच पाया था, क्योंकि वहां जाने से पहले ही इसकी मौत हो चुकी थी। कैट अब पूरी तरह से उदास हो जाती है, क्योंकि उस दिन एलेक्स इससे ही मिलने के लिए आ रहा था और उसका एक्सीडेंट हो गया। अब कैट एलेक्स को बचाने के लिए उस लेक हाउस के पास जाने लगती है। दूसरी तरफ एलेक्स भी लेक हाउस के पास जा रहा था। ये इसलिए जा रहा था कि ये जानना चाहता था कि आज के दिन 2006 में केट कहाँ पर है, क्योंकि केट ने एक लेटर में बताया था कि वो आज के दिन कहाँ पर थी। दूसरी तरफ 2008 में केट लेक हाउस के पास पहुँच जाती है और जल्दी से उस बॉक्स में एलेक्स के लिए एक लेटर डालती है और भगवान से दुआ करती है कि ये लेटर एलेक्स तक पहुँच जाए। फिर ये यहीं पर बैठकर रोने लगती है। अब हमें फिर से वो दिन दिखाया जाता है जिस दिन एलेक्स का एक्सीडेंट हुआ था। एलेक्स कैट से मिलने के लिए यहाँ आया था। ये रोड क्रॉस करने के लिए खड़ा था, मगर ये रोड क्रॉस नहीं करता, क्योंकि इसने कैट का वो लेटर पढ़ लिया था जिसमें कैट ने लिखा था कि तुम मुझसे नहीं मिलोगे और ना ही मेरा पीछा करोगे, प्लीज मेरी बात मान जाओ और 2 साल तक मेरा इंतजार करो और 2008 में आज ही के दिन मुझसे लेक हाउस पर आकर मिलो, मैं तुम्हारा वहीं पर इंतजार कर रही हूँ। इसलिए एलेक्स रोड क्रॉस नहीं करता और ये यहाँ पर बच जाता है। अब एलेक्स 2 साल तक इंतजार करता है और आज ही के दिन ये लेक हाउस पर पहुंच जाता है जहाँ पर केट इसका इंतजार कर रही थी, और आखिरकार ये दोनों आपस में मिल जाते हैं और इसी के साथ ये फिल्म खत्म हो जाती है। अब यहाँ पर बहुत लोगों को इसकी एंडिंग समझ नहीं आई होगी कि आखिर ऐसा कैसे हो सकता है, इनका मिलना तो इम्पॉसिबल है क्योंकि इनके बीच पूरे 2 साल का अंतर है, तो फिर ये आखिर कैसे मिल गए। अब जितना मुझे समझ में आया वो मैं आपको बताने की कोशिश करूंगा। तो देखिए, एलेक्स जब 2004 में था तो कैट 2006 में थी, और इसके साथ साथ कैट 2004 में भी थी, मगर इस कैट को एलेक्स के बारे में कुछ नहीं पता था। लेकिन सेम इसी जगह एलेक्स को कैट के बारे में सब कुछ पता था, क्योंकि ये 2006 वाली कैट से लेटर के जरिए बातें किया करता था। इसका मतलब ये नहीं कि ये 2004 में जो केट है उसको एलेक्स के बारे में पता नहीं चलेगा। जब ये 2006 में पहुंचेगी तब इसके साथ वही सब कुछ होगा जो ऑलरेडी पहले हो चुका है। अब एंडिंग में 2008 के एलेक्स को दिखाया जाता है, इसे A to Z पूरी कहानी पता होती है, इसीलिए एलेक्स को 2008 में आज ही के दिन लेक हाउस पर आने को कहती है। और दूसरी तरफ एलेक्स जो 2006 में था वो वहाँ पूरे 2 साल बिताकर 2008 में इस लेक हाउस पर आता है जहाँ पर पहले ही कैट मौजूद होती है। तो इस तरह ये दोनों मिल जाते हैं। अब अभी भी कुछ लोगों के मन में सवाल होगा कि आखिर ये कैसे हो सकता है, तो ज़्यादा मत सोचिए क्योंकि इसकी एंडिंग ही ऐसी है और ज़्यादातर टाइम ट्रेवल मूवी में ऐसा ही होता है। ओवरऑल ये मूवी बहुत ही अच्छी है, आप इसे एक बार ज़रूर देख सकते हैं। और आपके भी मन में इसके एंडिंग को लेकर किसी और तरह की थ्योरी हो तो मुझे कमेंट में ज़रूर बताएं। तो चलिए मिलते हैं किसी और वीडियो के साथ।